बाड़मेर की समदड़ी से अब खबर है, जहां कांग्रेस सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया गया। वहीं भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान विधायक भायल ने सरकार के कार्यकाल को विफल बताया और साथ ही अगले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। जनता के सामने आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने लोक लुभावने जो वादे करके किसानों का कर्जा माफ करने की बात की और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की और कई तरह की नौकरियां देने की भी बात की।